सर्व कारण कारणम। गोविंद सब कारणों के कारण है, वो परम ईश्वर परमेश्वर कृष्ण भगवान को कहा है ईश्वर परमह कृष्ण, परम ईश्वर जो है वो कृष्ण है। लेकिन जैसे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्त्या माम अभी जानाति यावान्यश चास्मि तत्वतः ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा विश्ते तदनंतरम। हे अर्जुन, मुझे एकमात्र भक्ति से जाना जा सकता है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, बिना प्रेम रीजे नहीं नटवर नंद किशोर। प्रेम ही एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी कला है जो भगवान तक को प्रसन्न करती है, भगवान को अपने वश में किया। यशोदा माँ ने ओखली मूसल से बांध दिया श्री कृष्ण को। ये सब क्या था? ये भक्ति थी, ये प्रेम था। प्रेम के वश अर्जुन रथा क्यों भूल गए हो ठकरा ठकुराई? झूठे फल सबरी के खाए ऐसी प्रीत निभाई। दुर्योधन को मेवा त्याग्यो साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के वशीभूत सारा विश्व हो जाता है, अखिल ब्रह्मांड स्वयं परमेश्वर प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। प्रेम एकमात्र कला है जिससे भगवान आकर्षित होते हैं, उनका स्वरूप प्रेम स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, क्षमा स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद है। जैसे आत्मा, हम सब आत्मा स्वरूप से सत चिद आनंद है। चिद यानी बुद्धिमान, ब्लिसफुल, इटर्नल, सत यानी आध्यात्मिक, अजर अमर, कभी नष्ट नहीं होते। सत चिद आनंद, ब्लिसफुल और चिद ज्ञान स्वरूपा, आनंद स्वरूपा। सच्चिदानंद आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, सदैव ताजा बनी रहती है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह यानी शरीर सच्चिदानंद है। हमारा शरीर सच्चिदानंद नहीं है, हमारा शरीर कफ पित्त वायु के आधार पर खड़ा है, पस ब्लड बॉन्स का एक बैग है। इसकी आयु है, इसमें विकार आते हैं, विकार युक्त होता है, पैदा होता है, बढ़ता है, फैलता है, सुकुड़ता है, बीमारियां आती हैं, बुढ़ापा आता है, मर जाता है, छूट जाता है, बिखर जाता है। सच्चिदानंद शरीर के अंदर ये चीज नहीं है। सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को सच्चिदानंद शरीर स्वरूपा कहा है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाया क्लिष्टा कारिणी नमो वेदांत वेदाय। हे श्री कृष्ण, सारे वेदों से और वेदांत से आप जाने गए हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूं। गुरुवे बुद्धि साक्षिणी, और गुरुजी ने भी इसकी साक्षी दी है कि कृष्ण भगवान परमपिता परमेश्वर है, ओरिजिनल है, सभी कारणों के कारण है। ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, ही इज द सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेज, ही इज द सोर्स ऑफ ब्रह्म ज्योति, ही इज द सोर्स ऑफ निराकार स्वरूप, ही इज द कॉज ऑफ मैटेरियल वर्ल्ड, ही इज द कॉज ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हे द श्याम सुंदरा नवयौवनम च अद्वैतम। नो बॉडी इज इक्वल टू हिम। अद्वैतम, वो एक मां, एक खुद स्वयं, एकमात्र स्वयं श्री कृष्ण, जिस रूप के, जिस शक्ति के, सर्वैश्वर्य प्रधान अवस्था में जिनके पास हैं, शक्तिवान हैं, परम शक्तिवान, परम ज्ञानवान हैं,
परम वैराग्यवान है, परम बुद्धिमान है, परम रूपवान है। इस प्रकार से भगवान की सड़ ऐश्वर्य परम कीर्तिवान है। ये सड़ ऐश्वर्य यानी छह ऑपुलेंस, सिक्स फुल ऑफ सिक्स ऑपुलेंसेस ओनली भगवान श्री कृष्ण के पास हैं। सड़ ऐश्वर्य युक्त कहा है भगवान को और सभी कारणों के कारण कहा है। भगवान ने स्वयं गीता में अलग अलग जगह पर बोला है, अपनी पहचान दी है। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा, ब्राह्मण ब्राह्मण कहते हैं ब्रह्म ज्योति को। इसका वर्णन इसी श्लोक में है पूरी डिटेल में। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च। जो ब्रह्म ज्योति शाश्वत है, सुख का भंडार है, अव्यय है, धर्म स्वरूपा है, अनंत सूर्यों जैसा प्रकाश है, वह ब्रह्म ज्योति का बेस यानी आधार मैं हूं। आई एम द बेस ऑफ ब्रह्म ज्योति, ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। आई एम द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ब्रह्म ज्योति, आई एम द रूट ऑफ ब्रह्म ज्योति। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद रूपाय अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान ने यहां स्वयं अपने मुख से कहा है, अवजानन्ति माम मूढ़ा। हे अर्जुन, ये मूर्ख लोग, ये मूर्छित लोग जो अनकॉन्शियसली अपने जीवन को जीते हैं, दे डोंट नो मी हु आई एम। वो मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मूर्छित आदमी कैसे जानेगा, वो कैसे पहचानेगा? वो अपने आप को नहीं पहचानता, अपने आसपास वालों को नहीं पहचानता, दूसरे भी जीव है उसको ये आभास भी नहीं होता। संसार में ये तो सब घटना घट रही है, स्पेशली इस समय पर आकर, कलयुग कहो या विनाश युग कहो, कुछ भी कहो। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुम आश्रितम्। जब क्योंकि मैं मनुष्य के शरीर में रह, मेरा शरीर मनुष्य का शरीर जैसा है, एज इट इज, जैसे मनुष्य के 10 उंगलियां हाथों में है, 10 पांव में है, सुंदर नेत्र है, सुंदर शरीर है, सुंदर नासिका है, सुंदर होठ है, सेम डिक्टो कॉफी मनुष्य है। ये भगवान की कृपा है मनुष्य के ऊपर, अपना जैसा स्वरूप मनुष्य को दिया है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुम आश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। ये मूर्छित लोग, अनकॉन्शियस लोग जो मुझसे नफरत करते हैं, मुझे नहीं स्वीकारते जैसा मैं हूं, वो मुझे नहीं जानते, ना वो कभी मेरी भक्ति में आते, ना मेरे संपर्क में आते, ना मुझे जानने की चेष्टा करते, ना मेरे भक्तों के करीब बैठते, ना कोई गीता शास्त्र रामायण उपनिषद वेद इनमें उनकी रुचि है। हाउ दे कैन अंडरस्टैंड मी। अवजानन्ति माम मूढ़ा, ये मूर्छित लोग, अनकॉन्शियस सोसाइटी, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड हु आई एम। सोचिए जरा, कितने लोग संसार में भगवान को जानते हैं और जान करके भगवान की ओर जाने की चेष्टा करते हैं। कितने लोग, लोगों को फुर्सत ही नहीं है, जानने की जरूरत ही नहीं है। ये
मेरा अनुभव है, मैं ये शहर न्यूयॉर्क में रह रहा हूं 10-12 साल से, लेकिन महीनों बीत जाते कोई एक व्यक्ति भी तो आके कोई सत्संग की बात नहीं करता। कोई नजदीक आता तो इतना ही बोलता है, कहां के रहने वाले हो भारत में, यहां कहां रहते हो, ग्रीन कार्ड बन गया क्या, अच्छा फिर मिलेंगे, बस इससे ज्यादा कोई। और बात छेड़ भी दी जाए तो वो घड़ी देखने लगते हैं कि टाइम हो गया, न जाने क्या कर रहे हैं, क्या कमा रहे हैं। अब जानती माम मूढ़ा, ये मूर्छित लोग मुझे नहीं जानते अर्जुन, अनकॉन्शियसली अपनी जीवन को जीते हैं। देर आर थिंग्स लाइक पब्लिक पीपुल अनकॉन्शियस, रेयर पीपुल इन कॉन्शियस, और वेरी वेरी रेयर सुपर कॉन्शियस, बट सुप्रीम कॉन्शियस ए प्योरेस्ट डियर ऑफ लॉर्ड कृष्णा कैन अचीव। उसके पास परम कॉन्शियसनेस होती है, तभी वो परम कॉन्शियसनेस परमेश्वर के पास बैठने का अधिकारी बनता है। भगवान कहते हैं परम भाव, मेरे वो परम भाव को नहीं जानते, मेरी सुप्रीम कॉन्शियसनेस को नहीं जानते, और मेरा भूत मेरा ये शरीर अपना जैसा समझते हैं कि ये भी मनुष्य हम भी मनुष्य, क्या भेद है हम में और इनमें। नहीं, भेद कॉन्शियसनेस का स्पेशली है। श्री विग्रह का भेद है, भगवान कहते हैं मम भूत महेश्वर, मेरा श्री विग्रह ये महाईश्वर का श्री विग्रह है, महाईश्वर का शरीर है, दे डोंट नो इट। एंड माई कॉन्शियसनेस, मेरी भावना परम है, वो परमेश्वर के पास ही परम भावना होती है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तो अनकॉन्शियस आदमी जो जीवन को जी रहा है, ब्लाइंडली अंधेरे में भटक रहा है, तमोगुण रजोगुणों में विस्की बियर पी रहा है, जानवर चबा रहा है, और कुछ न कुछ झूठ चोरी बेईमानी धोखाबाजी वैमनुष्यता में लगा हुआ है, रिश्वतखोरी में लगा हुआ है, उलझा हुआ है संसार में, पागलों की तरह दलदल में फंसा हुआ है, वह व्यक्ति कैसे उस परम भावना को पहचाने। उसको पहचानने के लिए तो साधन बतलाया भगवान ने, भक्त्या माम अभिजानाति, ओनली बाई रेंडरिंग सर्विस अनटू माई लोटस फीट, लविंग सर्विस अनटू माई लोटस फीट, वन कैन अंडरस्टैंड मी नो एनी अदर वे। कोई दूसरा मार्ग नहीं है मुझे जानने का, मुझे जानना है तो मेरे नजदीक आइए, मेरे पास बैठिए, मुझसे बात कीजिए, मुझे कुछ आदान प्रदान कीजिए, कुछ पुष्पम पत्रम फलम तोयम, कुछ आदान प्रदान कीजिए, मैं आपको कुछ दूं, आप मुझे कुछ दीजिए, तब धीरे धीरे हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा, हम दोनों मित्र स्वरूपा हो जाएंगे, मित्र बन जाएंगे। जैसे अर्जुन मेरा मित्र है, उद्धव मेरा मित्र है, मित्र स्वरूप जब आप हो जाएंगे तो पूर्ण रूप से मुझे जान जाएंगे। यहां तक कि यदि मेरे अच्छे दास भी आप हैं, अच्छे सेवा में लगे हुए हैं पूर्ण रूप से, 100% मेरी मुझे प्रसन्न करने के लिए लगे हुए हैं, तो भी मुझे पहचान जाएंगे कि मैं कौन हूं। श्रद्धा ही भगवान की सेवा करने से प्रकट होती है हृदय में, श्रद्धा के बिना कुछ नहीं मिलता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ओनली श्रद्धालु व्यक्तियों के हृदय में ही ज्ञान प्रकट होता है, तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञान से उस परम शक्ति को पहचाना जा सकता है, और कोई मार्ग तो नहीं है। या है भगवान ने तो कहा है और कोई मार्ग नहीं है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन्य चास्मि तत्वता, तत्व से मुझे एक भक्ति से जाना जा सकता है, और जो मुझे तत्व से जान लेता है, ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम,
फिर उसमें वो मेरे नजदीक आ जाता है, मेरी जैसी भावना, मेरी जैसी डिवाइन नेचर उसके हृदय में होती है, वो मेरे धाम का वासी होता है। भगवान की डिवाइन नेचर हमारे पास, शारीरिक नेचर है, शारीरिक प्रकृति, भौतिक दृष्टिकोण, हम सोचते हैं हम शरीर हैं, ये मेरे बेटे हैं, मेरी संतान है, मेरी पत्नी है, मेरी माता पिता हैं, मेरे देशवासी हैं, ये शारीरिक जान पहचान है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये बुद्धिस्ट है, तो इन शारीरिक पहचानों में हम भेद बुद्धि बनी रहती है सदैव, इसमें वैमनस्यता पनपती है, ईर्ष्या पनपती है, घृणा पनपती है। शारीरिक बुद्धि में आदमी जीता है वो पशु के समान जीता है, नहीं दूसरे दर्जे पर है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, आत्मज्ञान। इनफैक्ट वी आर स्पिरिट सॉल, पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, हम सभी भगवान के अंश हैं। कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं ममैव अंशो जीवलोके जीव भूतः सनातनः मन, ये सारे अंश आत्माएं हम सब हैं अनंत में बिखरे हुए, देह धारण की हो या बिना देह के हो, या सूक्ष्म शरीर में हो या स्थूल शरीर में हो या कारण शरीर में हो, लेकिन हम आत्मा हैं, तीन शरीरों के पीछे बैठे हुए सच्चिदानंद हम भी हैं, लेकिन हमारा हमारे तीनों शरीर सच्चिदानंद नहीं है, नहीं तो संचित कर्मों का फल कारण स्वरूपा शरीर सच्चिदानंद है, वो भी भौतिक है, कर्म भौतिक है। फिर सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि अहंकार और दसों ग्यारहों इंद्रियों को लेके घूमता है, हवा में दिखाई नहीं देता, भूत प्रेतों के शरीर दिखाई नहीं देते, वो सूक्ष्म शरीर है। और ये स्थूल शरीर है तीसरा, तो स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर भी है और कारण शरीर भी है, और ये तीनों शरीरों के पीछे आत्मा स्वरूप से मन बुद्धि अहंकार के तल में जाकर के आत्मा स्वरूप से हम हृदय में, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सभी प्राणी मात्र के हृदय में आत्मा स्वरूप से भगवान, आत्मा में परमात्मा स्वरूप से भगवान भी विराजते हैं। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा के अंदर भी परमात्मा एंटर होते हैं, इतनी उनकी शक्ति पावर है। अटलांटिक फार्म कैश एंड कैरी ग्रैंड ओपनिंग, अटलांटिक फार्म कैश एंड कैरी 114-15 अटलांटिक एवेन्यू रिचमंड हिल न्यूयॉर्क। तेरे किसी भी जानकारी ले लिखे नंबर आते कॉल करो।